मार्च मंथ के सेकेंड वीक के करंट अफेयर्स पार्ट में आप सभी का स्वागत है। आज यहां पर हम सेकेंड वीक का पार्ट टू डिस्कस करेंगे जो कि आपका रेलवे, एसएससी और बैंक एग्जाम्स को कवर करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की। पहला प्रश्न आपका यहां पर आता है कि भारत का पहला कोस्टल पुलिसिंग एकेडमी जो है, कोस्टल का मतलब होता है जो समुद्र तल के किनारे होते हैं उनको हम कोस्टल एरियाज कहते हैं। तो कोस्टल पुलिस एकेडमी जो है ये कहां पर बनाई जा रही है, ये हो रही है गुजरात में। आपने देखा होगा जब मुंबई में अटैक हुआ था तो उसके बाद से इसकी मुहिम चलाई गई थी कि इसको बनाया जाए, ओके, और इसको गुजरात में बनाया जाएगा। और ये जो स्टार्ट है, फंक्शनिंग है, ये कब से होगा, अप्रैल 2018 से। तो यहां पर क्या होगा कि टू ट्रेन द पुलिस फोर्सेस इन इफेक्टिवली सेफ गार्डिंग कंट्रीज सोर लाइन, जो भारत की रेखा है इसको सुरक्षित किया जा सके, और यहां पर लोगों को ट्रेन किया जाएगा। और गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, यहां के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी और गवर्नर है ओपी कोहली, ठीक है, ओम प्रकाश कोहली। सेकेंड जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा गया है कि इंडिया फर्स्ट मल्टीलेटरल एचएडीआर एयर एक्सरसाइज जिसको हम कहते हैं संवेदना 2018, ठीक है, तो ये कहां पर हुई, तो ये आपको बताना है, ये हुई है केरला में, ठीक है। एचएडीआर का मतलब नोट कर ले, एचएडीआर का मतलब है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ, जिसको हम कहेंगे एचएडीआर। और ये फर्स्ट मल्टीलेटरल ह्यूमैनिटेरियन जो है असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है जिसको अभी कंडक्ट किया गया एयरफोर्स की हेल्प से, और इसमें कई देशों की एयरफोर्स ने पार्टिसिपेशन लिया, जैसे कहा जाए श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड यूएई। केरला की कैपिटल आपको पता है तिरुवनंतपुरम, और यहाँ के सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है पी सदाशिवम, ये हमारे एक्स सीजीआई भी रह चुके हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि केरला में रीजनल लैंग्वेज कौन सी है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न जो है दोस्तों आपका, इसमें आपसे कहा गया है फर्स्ट एवर मल्टीनेशनल नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है माइल्स 18, ये कहां पर अभी हेल्ड हुई। तो अभी ये डिफेंस के क्वेश्चंस हैं, कर लो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा था माइल्स 18 क्या है, कहां पर हुआ ये, ठीक है। तो ये हुआ है अंडमान सी में, ठीक है। और यहां से इंपॉर्टेंट चीजें क्या बनेंगी कि माइल्स 18 के बारे में थोड़े पॉइंट नोट कर लें। वन नेवल शिप ऑफ 8 कंट्रीज जिसमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड, ये इन्वॉल्व हैं। और 9 इंडियन शिप, इन लोगों ने यहां पर पार्टिसिपेशन किया, इनके शिप्स ने, ओके। और इसका मेन एम ये था कि इंटर ऑपरेबिलिटी होना जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज नेशन है इनके बीच में, ठीक है, इनके बीच में जो सहयोग है उसको और अच्छे लेवल पर लेकर जाना, ठीक है। एक और दोस्तों क्वेश्चन, काफी बढ़िया क्वेश्चन है यहां पर, इसमें कहा है कि इंडिया ट्रैक्स हाउ मच बिलियन एफडीआई इन 2014-17 एज पर गवर्नमेंट। अभी गवर्नमेंट ने अपने आंकड़े दिए हैं जिसमें कहा गया है कि भारत ने कितनी एफडीआई 2014-17 तक जो है भारत में आई है। एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो विदेशी कंपनीज हैं उन्होंने निवेश किया है, ठीक है। तो ये किया है कितना, $209 बिलियन का। किन किन सेक्टर्स में किया है, उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं कि 1999 से 2004 के बीच में एफडीआई बहुत कम थी, उसके बाद 2004 से 9 का दौर आया तो काफी तेजी से ग्रोथ हुई, 2009 से 13 में काफी ज्यादा 172.82। लेकिन जो सरकारें आती हैं वो ये कहती हैं वो एफडीआई के विरोध में रहती हैं, लेकिन बाद में एफडीआई का इंक्रीमेंट तो होना तय हो जाता है। तो अभी आपने देखा होगा $209 बिलियन का जो एफडीआई निवेश है ये भारत में आया, और कई हद तक जो है गवर्नमेंट अब जब अपोजिशन में रहती है तो वो अपोज करती है कि यहां पर कारोबार बढ़ाओ, यहां के लोगों को प्रमोट करो, एफडीआई मत लाओ, प्रोडक्शन सेंटर्स खोलो, मैन्युफैक्चरिंग यहां करो, ठीक है। तो ये सारे मुद्दों के ऊपर बात है। और जो एफडीआई में मेन सेक्टर्स कौन से हैं जिसमें मैक्सिमम एफडीआई इंक्लूड्स हैं, उसमें आपका कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर है, टेली कम्युनिकेशन है, कंस्ट्रक्शन है, ट्रेडिंग है और ऑटोमोबाइल है। ये बड़े सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हुआ है। एक और अच्छा क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट ने एक ट्रिब्यूनल फॉर्म्स किया है, इसका मेन उद्देश्य यह है कि जो महानदी वाटर डिस्प्यूट है उड़ीसा और वो कौन सा दूसरा स्टेट है जिसके बीच में है उसको दूर किया जा सके। तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बीच में ये महानदी वाटर डिस्प्यूट है और इसको दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, और इस कमेटी की अध्यक्षता कौन करेंगे, ये भी प्रश्न आपसे पूछा सकता है। तो यह है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको नॉमिनेट किया गया है, ओके, और जिनका नाम है एम खानविलकर, ठीक है, ये नोट कर लें, ये चेयरमैन है इस ट्रिब्यूनल के, ओके। और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन दो के बीच में ये महानदी वाटर डिस्प्यूट है। और एक चीज और नोट कर लें कि महानदी की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 851 है, इतने किलोमीटर लंबी है, और 494 किलोमीटर उड़ीसा में फ्लोड है और 357 जो है ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। तो ये आंकड़े भी आप एक बार नोट कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, जिसमें कहा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन काउंटरफीटिंग एंड रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हेल्ड इन। देखो काउंटरफीट का मतलब होता है चीजों की पायरेसी बनाना, नकली, एक तरह से आपने देखा होगा काउंटरफीट नोट, या फिर किसी का ब्रांड है, कोई भी ट्रेडमार्क है उसकी कॉपी कर लेना, ठीक है। तो ये सब काउंटरफीट में ही कंसीडर हो जाता है। तो अभी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिसका मूल मुद्दा जो था वो था काउंटरफीटिंग एंड रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। इन्फोर्समेंट एजेंसीज में आपकी आ जाती हैं जैसे पुलिस है, ठीक है, और भी एजेंसीज जो हैं, जो जांच एजेंसीज हैं, ठीक है। तो अभी ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कॉन्फ्रेंस जो है न्यू दिल्ली में, ठीक है, नोट इसको कर ले, न्यू दिल्ली में, और 13 मार्च से ये स्टार्ट हुई थी। और एक और भी फैक्ट यहाँ पर आप नोट कर लें कि इसको ऑर्गेनाइज किसने किया था, इसको ऑर्गेनाइज किया था आईपीआर प्रमोशन मैनेजमेंट, सीआईपीएम ने, सेल फॉर आईपीआर प्रमोशन एंड मैनेजमेंट ने, और कोलेबोरेशन था ईयू यूरोपियन यूनियन का, और इसका इनोग्रेशन किया था जो हमारे यहाँ के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुरेश प्रभु जी ने, ठीक है। तो ये भी फैक्ट आपको दोस्तों पता होना चाहिए। अगला काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फ्रेंच के प्रेसिडेंट जो है मैक्रोन, ई मैक्रोन, इमैनुअल मैक्रोन कहते हैं इनको, इन्होंने भी ज्वाइंटली इनोग्रेट किया एक सोलर पावर प्लांट, ये कहां पर, तो ये क्या है, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट भारत की यात्रा पर आए थे, ई मैक्रोन और मोदी जी, इन्होंने ज्वाइंटली इनोग्रेट किया एक सोलर पावर प्लांट, तो ये कहां पर किया, उत्तर प्रदेश में। कहां पर, ये नोट कर ले, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिलेज का नाम भी नोट कर ले, दादर काला बिलेज, और कैपेसिटी कितनी है, 101 मेगावाट सोलर प्लांट, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आप बताएं कमेंट करके कि यूपी के गवर्नर कौन है, उत्तर प्रदेश के गवर्नर। एक और प्रश्न आपके यहाँ स्क्रीन पर है जिसमें कहा गया है आई मेट्रोज, अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आई मेट्रोस है क्या। अभी एक एसोसिएशन बनाया गया है ऑल इंडियन मेट्रो रेल कंपनीज का, तो इसको लॉन्च किसने किया, इसको लॉन्च किया है पीके सिन्हा जी ने। पीके सिन्हा कौन है, ये है कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये आई मेट्रोस का क्या उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है कि भारत में जितने भी मेट्रोस कॉरपोरेशन हैं वो आपस में अपने इनोवेशन, अपने आइडियाज को शेयर करें ताकि जो मेट्रो का फ्लो है वो तेजी से बुलंदियों पर पहुंच सके, ठीक है। और इंडियन मेट्रोस कोलेबरेटिंग फॉर एक्सलेंस इन द प्रेजेंस ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन मैनेजिंग डायरेक्टर, दिल्ली मेट्रो के जो एमडी हैं मंगू सिंह, ठीक है, इनकी जो है उपस्थिति में ऐसा हुआ, ठीक है। अगला जो प्रश्न है काफी अच्छा है, इसमें कहा गया दोस्तों कि अभी फ्लोटिंग लैब है इसको सेटअप किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा रहा है कि फ्लोटिंग लैब जो है ये कहां पर जो है सेटअप किया गया है और कौन सी लेक को मॉनिटर करने के लिए। तो भारत का पहला फ्लोटिंग लेबोरेटरी जो है इसको बनाया गया है दोस्तों कहां पर, यह क्वेश्चन आपसे बहुत जरूरी पूछा जा सकता है। तो लेक का नाम आप नोट कर ले, लोकटक लेक, ठीक है, लेक ही पूछा जाएगा कि कौन सी लेक पर, और उससे पहले कहां पर, किस राज्य में, मणिपुर में, ठीक है। तो यह भी नोट कर ले, मणिपुर में, फाइन, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट है ये, ठीक है। और इसका इनोग्रेशन किया है मणिपुर के फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट मिनिस्टर, जिनका नाम नोट कर लें, टी श्याम कुमार सिंह, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है इसमें कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी लॉन्च किया है कैंपेन जिसमें टीबी को खत्म किया जाएगा बिल्कुल तरीके से, कौन सी सन तक, तो 2025 तक टीबी को खत्म करने का प्रावधान है। अभी एक सम्मिट हुआ था दिल्ली में, एनटीबी सम्मिट, ठीक है। तो दिल्ली एनटीबी सम्मिट में ऐसा जो है ये बताया गया कि इसको जो है खत्म किया जाएगा 2025 तक टीबी, ओके, टीबी का मतलब होता है ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। तो ये चीज भी आप यहां पर नोट कर सकते हैं। और ये जो है सम्मिट्स कहां पर हुई है, दिल्ली में, फाइन। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें कहा गया है, फैक्ट बेस्ड है, आपको पता होना चाहिए, भारत का टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग जो है अभी इसको फहराया गया है कहां पर, जगह का नाम भी लिखा है वेलगम, तो ये कहां पर है, ये है कर्नाटका में, ओके। आपने देखा होगा इसको बेलगा देवी डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है, और वहां के मिनिस्टर हैं रमेश जरकोली, इन्होंने 9600 स्क्वायर फीट का है ये फ्लैग और 110 मीटर पोल की हाइट है, ओके। अगर ये देखा जाए तो जो बागा ये अटारी बॉर्डर पर है इस फ्लैग से भी काफी बड़ा है, ठीक है। तो ये नोट कर लें, सबसे जो बड़ा फ्लैग है, टॉलेस्ट नेशनल फ्लैग है, ये कहां पर है, कर्नाटका में बेलगावी देवी डिस्ट्रिक्ट, वरना बेलगाम भी लिखा हो तब भी सही है, ओके। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है इसमें आपसे कहा गया है कि वेल ने अभी एक ऑर्डर बेल को मिला है एनपीसीआईएल की तरफ से, ठीक है। तो ये ऑर्डर है क्या और कितने अमाउंट का है, ये 736 करोड़ रुपीज का
ऑर्डर, और इसकी हम थोड़ी डिटेल लिखते हैं क्योंकि स्टीम जनरेटर्स को बनाने के लिए, ठीक है। वेल क्या है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, जो कि NPCIL, इसका मतलब है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसके लिए ये सप्लाइंग स्टीम जनरेटर्स बनाएगी, और इन जनरेटर्स को मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा तृष्णापल्ली प्लांट बेल का जो है वहां पर, और इंस्टॉल किया जाएगा हरियाणा, ठीक है, और गोरखपुर में। फाइन, तो ये चीज भी आप नोट कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट यहां पर ये है कि अगर NPCIL की बात की जाए तो इसके CMD जो है वो है SK शर्मा, और हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में, और भेल का हेडक्वार्टर जो है वो है न्यू दिल्ली में, और भेल जो है एक महारत्न कंपनी है, तो इसको भी नोट कर सकते हैं। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें कहा गया है कि होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने अभी इनॉग्रेट किया है एशिया पैसिफिक रीजनल कॉन्फ्रेंस, किस मुद्दे पर? IAC पर। IACP का मतलब क्या है? इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ ऑफ पुलिस, ये इसका लोगो है, और ये कहां पर हुआ है? न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसको नोट कर लें। और इसकी थीम बहुत जरूरी है, थीम से प्रश्न बनेगा, चैलेंजेस टू पॉलिसिंग इन 2020, ठीक है। तो इसमें जो हमारा साइबर स्पेस है इसको कैसे फ्री बनाया जाए और कैसे और ज्यादा ऑपरेटिव बनाया जाए, ठीक है, तो इस मुद्दे पर ही अभी एक कॉन्फ्रेंस जो है इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, ठीक है। एक और क्वेश्चन यहां पर है जिसमें कहा गया है द फर्स्ट रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, MRTS लिखा हो कहीं पर, तो ये पहला रीजनल कॉन्फ्रेंस है MRTS पर अर्बन एरियाज में, तो ये कहां पर हेल्ड हुआ? ये हुआ है कोलकाता में। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जाएगा, ओके। और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका आयोजन हुआ है मिनिस्टर ऑफ द फाइनेंस की हेल्प से, AIIB क्या है? ये है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बीजिंग चाइना में, और एसोचम और रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर डेवलपिंग कंट्रीज RIS, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लें। जो यहाँ टर्म्स हैं फुल फॉर्म्स हैं, कई बार एग्जाम्स में फुल फॉर्म हमारे पूछी जाती हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन है इसमें कहा है इंडिया इन विच कंट्री को होस्ट इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट इन न्यू दिल्ली, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत और वो कौन सा दूसरा देश है जिसने इंटरनेशनल सोलर अलायंस समिट का आयोजन दिल्ली में किया, तो भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर, ओके, इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, कई जगह आपको ISA भी लिखा मिलेगा शॉर्ट फॉर्म में, तो ये शॉर्ट फॉर्म को साथ में जरूर नोट करते रहा करें। और इसका मेन एम ये है ऑन द फाइनेंस मैकेनिज्म फॉर प्रमोशन ऑफ सोलर एनर्जी इन मेंबर कंट्री, सोलर एनर्जी को बहुत ज्यादा प्रमोट करना, ओके। और फ्रांस की अगर बात की जाए तो कैपिटल है पेरिस, यूरो यहां पर करेंसी चलती है, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर जो है ये Philippe हैं, और प्रेसिडेंट जो है Macron, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे। एक और दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर 16 नंबर का, जिसमें कहा गया है प्रेसिडेंट इनोग्रेट्स वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट इन, देखो दोस्तों अभी हमारे यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय इसका अभी इनोग्रेशन किया है, तो ये कहां पर किया है? मॉरिशस में। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, इसको नोट कर लें। और एक चीज और यहां पर नोट कर लेते हैं मॉरिशस के बारे में, इसकी कैपिटल है पोर्ट लुइस, ठीक है, करेंसी यहां पर चलती है मॉरिशियन रुपी, और प्रेसिडेंट जो है Gurib, और प्राइम मिनिस्टर जो है ये है प्रविंद जुगनौथ, ठीक है। तो जो फैक्ट यहां पर लिखे हैं इनको जरूर नोट करते रहा करें। एक और क्वेश्चन आपके लिए है जिसमें कहा गया है कि भारत और वो कौन सा देश है जिनकी दोनों टीमों ने ज्वाइंटली मिलकर अभी न्यूटन भाभा फंड जो है ग्राउंड वाटर आर्सेनिक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए ये अपने नाम पर किया है, तो भारत और UK की टीम ने, भारत की ओर से कौन सी रिप्रेजेंटेशन था? IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द टेक्नोलॉजी खड़गपुर का, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हाइड्रोलॉजी और IIT रुड़की, और महावीर कैंसर संस्थान एंड रिसर्च सेंटर पटना, तो इन जो है इंस्टीट्यूशंस का जो है पार्टिसिपेशन था भारत की ओर से। और अगर UK की टीम की बात की जाए तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ द मैनचेस्टर, ओके, तो इनको जो है ज्वाइंटली न्यूटन भाभा फंड फॉर ग्राउंड वाटर आर्सेनिक रिसर्च प्रोजेक्ट लिए मिला है, तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें कहा गया है आपसे कि वो कौन सा कंट्री है जिसने अभी अप्रूवल दिया है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम नेशनल पॉलिसी के लिए, दोस्तों कौन सा वो देश है जिसने अभी, जिसकी कैबिनेट ने अभी अप्रूवल दिया है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम नेशनल पॉलिसी? तो सऊदी अरबिया। कुछ फैक्ट नोट करते हैं यहां पर,
सऊदी अरबिया की जो कैबिनेट है उसने ये अप्रूवल दिया है, और ये जो नेशनल पॉलिसी है इसमें क्या इंक्लूड होगा, ऑल न्यूक्लियर एक्टिविटीज टू द पीसफुल पर्पस, शांति तरीके से इसका यूज किया जाए विद इन द लिमिट्स डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल ट्रीटीज, ठीक है। और सऊदी अरबिया इसकी कैपिटल पूछी गई है कई बार आपके एग्जाम्स में, रियाद है, करेंसी यहां पर चलती है रियाल, और किंग है सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, ठीक है, किंग सलमान ऑफ सऊदी अरबिया, ओके। एक और दोस्तों बड़ा क्वेश्चन है, वो कौन सी कंपनी है जिसने अभी अपना डेबिट कार्ड लॉन्च कर दिया है कि आप ई कॉमर्स शॉपिंग को और अच्छे से कर सकते हैं, और मेक्सिको में किया है, तो वो है अमेज़ॉन, ठीक है। तो आप नोट कर लें, अमेज़ॉन ने ऐसा किया है जिससे कि जो ई कॉमर्स है, इलेक्ट्रॉनिकली जब आप बाइंग एंड सेलिंग करते हैं इंटरनेट पर, उसको हम लोग टर्म देते हैं ई कॉमर्स, तो उसकी उसको और ज़्यादा बूस्ट किया जाए, पुश करने का मतलब है उसको बूस्ट किया जाए, ठीक है। तो ये हुआ है, अब आपको कमेंट करके बताना है कि अमेज़ॉन के सीईओ कौन है, अमेरिका बेस्ड कंपनी है ये, और ज़रूर कमेंट में रिप्लाई करें कि कौन है यहाँ के सीईओ। अगला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया दोस्तों, वेयर इज खूगा डैम, खूगा डैम कहाँ पर है, कमेंट में रिप्लाई जरूर करें, ये आपके लिए क्वेश्चन है। डैम आप लोग रट लें क्योंकि डैम से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जल्दी से सारे जो क्वेश्चंस मैंने बताए इनको एक बार रिवाइज कर लें, नोट कर लें, शॉर्ट नोट्स बना लें ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो, और अगला पार्ट बहुत जल्द आप तक आएगा। लोगों पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू, हैव अ गुड डे।